और जन सेवक भागलपुर दक्षिणी से जिला पंचायत सदस्य अरविंद पांडे भैया और ग्राम प्रधान ब्रजभूषण यादव जी को मैं कोटि कोटि अभिनंदन कर रहा हूँ। ये प्यार ये मोहब्बत है, आप सभी लोग जोरदार तालियां बजाकर अभिनंदन करते हैं। बहुत बहुत प्रणाम। और लक्ष्मी के चरणों में कुछ लक्ष्मी का भी आगमन, तो मैं कोटि कोटि में प्रणाम कर रहा हूँ। गुड्डू बम भैया को भी बहुत बहुत अभिनंदन। पूज्य स्वामी आनंद स्वरूप महाराज जी, आचार्य अखिलेश शुक्ला जी, अरविंद बाबा संत, संत नारायण जी, संतोष कुमार साहू जी उर्फ गुड्डू बम, आप सभी की तरफ से मेरे लिए ये आशीर्वाद है, मैं कोटि कोटि अभिनंदन प्रणाम करता हूँ। मैं पिछले लगातार 20 सालों की जो यात्रा है और भोजपुरी गीतों की सिलसिला जो भी मेरी जिंदगी में रहा, मैं उन गीतों की तरफ जरूर जाऊंगी, लेकिन पहले गुरु जी को अर्पित करते हुए एक सोहर गाने की प्रयास करूंगी, जो गीत मैं बहुत बहुत बार गाई नहीं, लेकिन आज खास आपके लिए मैं कोशिश कर रही हूँ। श्री राम जी के जन्म पे अयोध्या नगरी जो है किस तरह से खूबसूरत और सुहावन कैसे हो गया था, उस और ये वर्णन है सारी कि बाजेला बधाइया अंगना बधाइया अंगना बधाइया कोसिया के भावन बानूरे रा अवतार जोधिया सुहावन लागे हो राजा रमली हले अवतार जोधिया सुहावन लागे हो के कोई लुटावली सोनावा तो चनी I'm
आपको जन्मदिन की और एक बार बहुत बहुत बधाई, आशीर्वाद देते रहिए, हम लोगों का मार्गदर्शन करते रहिएगा। प्रणाम दीदी। महाराज जी की माता जी भी यहाँ उपस्थित हैं और मैं माता जी के चरणों में मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। तालियां मत बजाइएगा, बात समझ में आ जाएगी, तब आशीर्वाद जरूर दीजिएगा कि ऐसे जन सेवक जो समाज के प्रति समर्पित होकर कर, मैंने सुन रहा था कि हर साल 50-51 लड़कियों की शादी और सामूहिक विवाह नहीं होगा, घर से शादी होगा ताकि वर पक्ष और वधु पक्ष दोनों अपने आप को गौरवान्वित महसूस करें। इसके लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए, ऐसे संत को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। लेकिन आज माता जी के लिए हम कहेंगे कि हमारा तयमरा यमरइये नीक लागेला, हमारा तयमरा यमरइये नीक लागेला, गौवा में फूस के मरइये नीक लागेला। आज करोड़ों रुपया से जरूरत पूरा नहीं हो सकत साहब, बचपन में माई के चरवा के दुगो रुपये नीक लागेला, दुगो रुपये नीक लागेला। आज महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। पूज्य स्वामी आनंद स्वरूप जी महाराज, आज माता जी यहाँ है, मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ जी। माता जी को भी मंच से और एक बार प्रणाम करती हूँ, हालांकि मैं निवास स्थान में मिल चुकी हूँ और आशीर्वाद ले चुकी हूँ, और क्या कहूँ आपके लिए, मेरी वो औकात नहीं है आपके लिए क्या कहूँ। आपने ऐसे एक सुपुत्र को जन्म दिया और सोहर गाते हुए जो भी भावा बेश एक मैं भी आज एक माँ हूँ, और वही मैं सोच रही थी कि एक तरह से कौशल्या सुमित्रा कैकेयी माताएं हैं, और आपने ऐसे एक पुत्र को जन्म दिया है जो शायद अपने जन्म धरती को, अपने इस धरती को कर्ज चुकाने वो उन्होंने निश्चय किया है, और इसमें ज़रूर वो कामयाब होंगे। हम लोग तो यही चाहेंगे और जनता भी शायद यही चाहती है आप लोग कि वो यहाँ रहे, आशीर्वाद दे इस क्षेत्र को, आशीर्वाद दे। और आगे मैं कार्यक्रम को लेके जाना चाहूँगी उन गीतों की तरफ। बाबा बैद्यनाथ धाम से मैं बहुत अचानक मैं असम से भोजपुरी क्षेत्र में आई, तो